एक साइको ने एक लड़की को बेसमेंट में बंद कर दिया है। उसके साथ गेम्स खेल रहा है। क्या वो लड़की उसे बच पाएगी? जो भी चल रहा है इसके पीछे और एक प्लानिंग है। हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी मूवी वॉचिंग ये 2019 की कोरियन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी की सिचुएशन तो थ्रिलिंग है ही, पर इसका एंड भी अमेजिंग है। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट और लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे चैनल को सपोर्ट मिलता है। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और एक बिल्डिंग का पार्किंग लॉट हम देखते हैं। इसमें एक लड़की अपनी गाड़ी में बैठती है, पर उसकी गाड़ी में और कोई था। ये सब और कोई कैमरे में देख रहा था, पर ये कौन था ये हमें पता नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑफिस का डे है। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम हम सिंडी रखेंगे। सिंडी अपने कोवर्कर पेट के साथ काम पर आती है। पार्किंग लॉट की सिक्योरिटी जॉन संभालता है। जॉन हमारा और एक मेन कैरेक्टर है। पार्किंग लॉट में सिंडी के हाथों से कुछ चीजें गिर गई थी, तो इसे उठाने के लिए जॉन उसे हेल्प करता है। ये फर्स्ट टाइम मिले हैं, पर फिर भी जॉन उससे बहुत सारी बातें करता है। वो कहता है कि मैं हमेशा से अकेला था। उसे ब्रदर और सिस्टर नहीं थे। उसे लगता था कि उसकी कोई सिस्टर हो। अगर उसकी सिस्टर होती तो उसे वो नूना बुलाता। वो सिंडी को कहता है कि मैं तुम्हें आज से नूना बुलाऊंगा। सिंडी को भी ये सब सुनकर अच्छा लगता है। जब सिंडी ऑफिस में थी तब उसे मिलने के लिए उसके बॉस आते हैं। वो कहता है कि एक वर्क है जो जल्दी से जल्दी तुम्हें खत्म कर मुझे देना पड़ेगा। ये जो टाइम है ये क्रिसमस का है। सिंडी को अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करना था, पर शायद इस वर्क की वजह से वो कर नहीं पाएगी। वो इसे टालने की कोशिश करती है, पर बॉस उसे फोर्स करता है। सिंडी को अब ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो इसी वजह से वो बेथ पर भी प्रेशर डालती है। रात में सब ऑफिस से चले जाते हैं तो सिंडी को अकेले ही काम करना पड़ता है, या उसके साथ उसका बॉस भी है। वो दोनों अकेले थे तो बॉस सिंडी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। सिंडी उसे झिड़क कर जल्दी से वहां से चली जाती है। बिल्डिंग में हम एक बूढ़ा सिक्योरिटी ऑफिसर देख सकते हैं। पार्किंग के गेट पर सिंडी फिर से जॉन से मिलती है। जॉन कहता है कि तुम बहुत ही हार्ड वर्किंग हो, तुम्हारा इतना इस बिल्डिंग में कोई भी काम नहीं करता। सिंडी उससे ज्यादा बात नहीं करती, उसे एक ड्रिंक देकर वहां से वो चली जाती है। अगले दिन जब वो फिर से काम पर आती है तो लिफ्ट में उसका बॉस उसके साथ है। उसे फिर से उसका वर्क कंप्लीट करने के लिए बोलता है। सिंडी कहती है तुम्हें तुम्हारा वर्क मिल जाएगा, पर तुम्हें मुझे सॉरी कहना पड़ेगा। बॉस कहता है मैं तुम्हें सॉरी नहीं बोलने वाला। सिंडी की कोवर्कर बेथ जब ब्रेक लेने के लिए स्टेज तक आती है, तब वहां हम देख सकते हैं कि जॉन और सिंडी का बॉस ये दोनों बात कर रहे हैं। पार्किंग लॉट में भी ये कुछ बात कर रहे थे। ये चल क्या रहा है यह हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत रात हो जाती है। सिंडी और बेथ इन दोनों को यही काम करना पड़ता है। सिंडी को बेथ के लिए बुरा लगता है तो कहती है कि आगे का मैं संभाल लूंगी, तुम्हें अगर घर जाना होगा तो तुम जा सकती हो। बेथ भी बहुत खुश होकर वहां से चली जाती है। पैरेलल में हम देख सकते हैं कि जॉन पूरी पार्किंग के कैमरे सेट करता है, सब डोर्स को लॉक कर देता है। थोड़ी देर में सिंडी भी अपना काम खत्म करती है। पार्किंग लॉट में उसकी गाड़ी के नीचे जरा वाटर था, ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी का तार कट गया था। जब उसने गाड़ी अनलॉक की तब उसे जरा शॉक लगा और वो बेहोश हो गए। जब उसे होश आता है तो जॉन के ऑफिस में है। वो अपने कपड़े देखती है तो वो भी बदल चुके हैं। जॉन कहता है कि वरी मत करो, मैंने कुछ भी देखा नहीं, तुम्हारे कपड़े गीले हो गए थे इसीलिए मैंने उन्हें बदल दिया। सिंडी डर गई थी और अपनी गाड़ी की चाबी ढूंढ रही थी। जॉन भी उसे वो दे देता है। वो फिर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती है, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। जॉन उसके पास आता है और कहता है कि मुझे पता था कि ये स्टार्ट नहीं होगी, मैंने एक टो ट्रक को बुला लिया है, वो जल्द यहाँ आ जाएगी, तब तक तुम मेरे ऑफिस में वेट कर सकती हो। सिंडी को उसके शूज नहीं मिल रहे थे तो बेरफुट अपनी गाड़ी में बैठ गई थी। जॉन ने अब उसके ड्रेस से मैचिंग शूज लाए हुए हैं। अपने ऑफिस में जॉन सिंडी के लिए डिनर सर्व करता है। डिनर के लिए कुछ स्वीट भी चाहिए तो उसने एक रैबिट केक लाया है। सिंडी ये केक देखकर सरप्राइज्ड होती है, क्योंकि अपनी बेटी के लिए भी वो यही केक ले जाने वाली थी। इसका मतलब है जॉन सिंडी के प्राइवेट लाइफ में भी नजर रख रहा है। सिंडी जॉन से पूछती है कि तुम्हारे पास मेरे साइज के कपड़े कैसे थे। जॉन कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड के है जो होने वाली है। ये सिंडी को बहुत ही क्रीपी लगता है। वो फिर उसके साथ सेल्फी लेना चाहता है। सेल्फी लेते वक्त सिंडी के नेक पर वो हाथ रखता है, इससे सिंडी डिस्टर्ब हो जाती है। उसे अभी के अभी यहाँ से जाना है। जॉन उसे रुकने के लिए मनाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं मानती। वो बाहर निकलती है और डोर तक आती है, तब सब डोर बंद है। बिल्डिंग में और भी कुछ डोर थे जिसे जाकर जॉन बंद कर कर आता है। सिंडी फिर से जॉन के ऑफिस तक पहुंचती है तो जॉन वहां नहीं है। वहां उसकी डस्टबिन पर उसकी नजर जाती है।
अर्लियर पार्किंग लॉट में सिडनी की कुछ चीजें गिर गई थी, इसमें उसकी लिपस्टिक भी थी। ये लिपस्टिक जॉन ने संभाल कर रखी है। सिंडी अपने गार्बेज में भी जो भी चीजें फेंकती है ये सब जॉन के पास है। ये सब देखकर वो बहुत डर जाती है। जल्दी से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है पर लाइन भी कटी हुई है। ऑफिस में उसे बहुत सारी कीज दिख रही है, इसमें से एक वो निकाल लेती है। सिंडी ने कैमरे चेक किए तो उसके खुद के घर में भी जॉन ने कैमरा लगाया हुआ है। उसके घर में क्या क्या चलता है ये सब वो देख सकता है। वो अब यहाँ से निकल ही रही थी तभी जॉन वहां जाता है। जॉन कहता है कि तुमने तो सब कुछ देख लिया। सिंडी उसे गिड़गिड़ाती है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, पर जॉन मानता नहीं। जॉन सिंडी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। सिंडी जाने के लिए स्ट्रगल करती है पर जॉन उसके हाथ बांध देता है। वो कहती है कि प्लीज मुझे मेरी बेटी के पास जाने दो। जॉन कहता है अगर तुम अपनी डॉटर को इतना मिस कर रही हो तो उसे मैं यहाँ लेकर आऊंगा। ये जॉन की धमकी थी कि उसकी डॉटर को मार डालेगा। अब वो जो भी कहेगा वो सब सिंडी को मानना पड़ेगा। वो फिर सिंडी को गाड़ी में बिठाता है। उसे कहता है कि मुझे मेलो ड्रामेटिक मूवीज पसंद है। लड़की लड़के को मिसअंडरस्टैंड करती है और उसके बाद उसके पैर में पड़ती है, इस तरह की स्टोरी लाइन उसे पसंद है। यानी जॉन को लगता है कि अब सिंडी उसे रेजिस्ट कर रही है पर बाद में उसके पैर में पड़ जाएगी। अब हम देख सकते हैं कि गाड़ी के सामने सिंडी का बॉस और बेथ, ये दोनों है। जॉन फास्टली गाड़ी चलाता है और इन दोनों को कुचल देने वाला था पर गाड़ी स्टॉप कर देता है। सिंडी उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है पर फिर भी ये गेम वो खेलता रहता है। जॉन उसे कहता है ये दोनों तुम्हें बहुत तंग करते थे, अब मैं इन दोनों को मार डालने वाला हूँ। सिंडी उसे मना करती है ये मत करो। वो फिर एक गेम स्टार्ट करता है। वो कहता है इन दोनों में से एक कोई मरने वाला है, अब तुम्हें डिसाइड करना है कि मैं किसको मारूंगा। सिंडी डिसाइड नहीं कर पाती तो जॉन खुद डिसाइड कर लेता है कि वो बॉस को मारेगा। बेसबॉल की बैट से वो बॉस को मार डालता है। बेथ अभी भी जिंदा है, उसे फ्री करता है और कहता है अगर तुम मुझे फिर से देखी तो तुम्हें मैं मार डालूंगा। जैसे हमें पता है कि पूरी पार्किंग बंद है, अब वो बेथ को हंट कर मारेगा। जॉन जब ये सब कर रहा था तभी सिंडी गाड़ी से बाहर निकलकर वहां से भागने लगती है। पार्किंग लॉट में सिंडी और बेथ फिर से मिलती है। बेथ बहुत ही डर चुकी है, उसे लगता है कि वो मर जाएगी। सिंडी उसे कॉन्फिडेंस देती है, कहती है हम कभी भी नहीं मरने वाले। सिंडी के पास जो चाबी थी ये लेकर वो जल्दी से गेट खोलना चाहते हैं पर ये चाबी नीचे गिर जाती है। चाबी अंडरग्राउंड चली गई तो वो उसे रीच नहीं कर सकते। बेथ को फिर सिंडी एक लॉकर में छुपा देती है। वो खुद पार्किंग लॉट में जॉन पर नजर रखती है। जॉन फिर अपने ऑफिस में आता है। उसके कपड़े खून से भरे हुए थे। चेंज कर सब कैमरे देखता है। सिंडी सब कैमरे से छुपकर लिफ्ट में पहुंच जाती है। वो ऊपर जा रही थी तभी लिफ्ट बंद होती है। फिर वो नोटिस करती है कि लिफ्ट में भी एक कैमरा था। जॉन उसे देख रहा था और उसने लिफ्ट बंद कर दी है। जॉन सिंडी के पास आकर उसे ले जा सकता है पर सिंडी एक ट्रिक लगाती है। लिफ्ट के दरवाजे में एक चीज फंसा देती है जिससे लिफ्ट ऊपर या नीचे कहीं भी ना जाए। जॉन उसे कहता है तुम मेरी फीलिंग्स को समझते क्यों नहीं, ये इतना हार्ड नहीं होना चाहिए था। वो सीसीटीवी कैमरे चेक कर रहा था तभी बेथ कहा है कि उसे पता चल गया। वो उसे पकड़कर ऑफिस में लाता है। सिंडी से कहता है अगर तुम बाहर नहीं आई तो बेथ को मैं मार डालूंगा। सिंडी के पास फिर कोई ऑप्शन नहीं था, वो ऑफिस में आ जाती है। ऑफिस में आने के बाद वहां बेथ नहीं है। जॉन कहता है मैंने उसे छोड़ दिया है, वरी मत करो। अब हम देखते हैं कि सिंडी जॉन से सही से बात करने लगती है। वो कहती है कि तुम मुझे लाइक करते हो तो मुझे ऐसे हथकड़ी में क्यों बंद कर रखा है, मुझे प्लीज यहाँ से बाहर निकालो। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ डिनर करूँ तो हम कर सकते हैं। उसके पैर पर चोट आई थी, जॉन को देखने के लिए कहती है। जॉन ही वुंड देख रहा था तभी सिंडी अपनी पर्स में से एक स्प्रे निकाल कर उसके आंख में डाल देती है। ऑफिस में एक फिश बॉल भी था जो उठाकर उसके सर में डालती है। जल्दी से वहां से भागकर गेट तक पहुंचती है। वो पुलिस को कॉल कर रही थी पर ये पार्किंग है तो उसे रेंज नहीं आती है। वो हाथ आगे कर कॉल लगा भी देती है पर वो क्या कह रही थी ये पुलिस सुन ही नहीं पाते। उसके हाथ से मोबाइल भी फिसल जाता है। वो अपना मोबाइल उठाने की फिर से कोशिश कर रही थी तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। स्ट्रीट में से एक ड्रंक आदमी जा रहा था, उसे वो आवाज लगाती है। ये फोन वो उठा लेता है। इसके पैरेलल में हम देखते हैं जॉन को अब होश आ चुका है। सिंडी ने जो भी किया ये देखकर अब वो हर्ट है। वो कहता है कि मैं मेलो ड्रामेटिक मूवी बनाना चाहता था पर अब ये मूवी हॉरर बन जाएगी। ड्रंक आदमी सिंडी के पास था, उसे समझा रही थी कि प्लीज पुलिस को कॉल करो। अचानक से जॉन जब सिंडी के पीछे आता है तो हमें पता चलता है कि आदमी ड्रंक था ही नहीं। सिंडी का फोन लेकर वहां से वो चला जाता है। इस सीन से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इस गेम में सिर्फ जॉन ही इंक्लूड नहीं है,
इसमें और भी कुछ लोग हैं। जॉन सिंडी से कहता है कि प्लीज मुझे गुस्सा मत दिलाओ, गुस्से में तुम्हारे साथ में कुछ भी कर सकता हूँ। वो फिर सिंडी को एक गाड़ी की डिक्की में डाल देता है। पुलिस को सिंडी का कॉल गया था इसलिए वो चेक करने के लिए वहां पहुंच गए। सिंडी गाड़ी से आवाज कर सकती है इसीलिए जॉन पूरी पार्किंग में म्यूजिक चलाता है। ये पुलिस सब चेक करते हैं। सिंडी डिक्की से आवाज कर रही थी पर म्यूजिक में उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दिया। पुलिस यहाँ से चले जाने से पहले सिंडी बहुत ट्राई करती है कि वो इस डिक्की से बाहर निकल पाए। फाइनली डिक्की खुल जाती है पर उसे लेट हो गया था, पुलिस ऑलरेडी वहां से चली गई है। वो वहां से भागने की कोशिश करती है पर जॉन उसे पकड़ लेता है। वो अब बहुत गुस्सा है, कहता है कि शायद तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। वो सिंडी को मार ही डालने वाला था पर ओल्ड सिक्योरिटी ऑफिसर सिंडी को बचा लेता है। सिंडी को चाबी दे देता है। ओल्ड ऑफिसर और जॉन इन दोनों में अब फाइट होने लगती है। सिंडी भागते भागते गेट तक पहुंचती है, वो उसे ओपन करने ही वाली थी तभी उसके हाथ से चाबी कोई ले लेता है। हम देखते हैं तो सिंडी का ये बॉस है जिसे हमने मूवी में फर्स्टली देखा था कि जॉन ने उसे मार डाला था। वो कहता है क्या मरे हुए आदमी को देखकर तुम सरप्राइज्ड हो? यह हंसने लगता है, कहता है कि हमने यह सब नाटक किया था। जो गेम जॉन सिंडी के साथ खेल रहा है इसमें सिंडी का बॉस भी शामिल है। सिंडी पूछती है क्या ये सब जोक है? तो बॉस कहता है तुम्हारे लिए नहीं, हम तुम्हारे साथ ही ये सब कर रहे हैं। यह सुनकर सिंडी जल्दी से वहां से भाग जाती है। बॉस को सिंडी की गाड़ी के पास आवाज आती है, वहां जाकर वो चेक करता है तो सिंडी उसके पीछे खड़ी है। आग बुझाने के लिए बिल्डिंग में वाटर पाइप थे जो अब सिंडी के पास है। पानी के फोर्स से वो बॉस को इंजोर कर देती है। जैसे हमने पहले भी देखा था कि सिंडी की गाड़ी के ऊपर वायर शॉर्ट सर्किट है, बॉस गीला हो चुका था। वायर की वजह से उसे करंट लग कर वो भी नीचे गिर जाता है। बॉस बेहोश था। जॉन फिर थोड़ी देर में सिक्योरिटी ऑफिसर को मार कर वहां पहुंचा। उसने बॉस को उठाया। बॉस अब बहुत ही गुस्सा है, वो कहता है कि अब मैं उसे मार डालूंगा। जॉन ये नहीं चाहता, जो भी वो गेम खेल रहा है इसे वो मेलोड्रामेटिक बनाना चाहता है। सिंडी को कुछ हो ये वो नहीं चाहता। बॉस पर गुस्सा होकर वो उसे मार डालता है। सिंडी भागते भागते फिर से जॉन के ऑफिस में आती है क्योंकि हर डोर की की उसी ऑफिस में है। सिंडी के लेग पर चोट आई थी, उससे खून बह रहा था। इस खून को ट्रेस करते करते जॉन भी ऑफिस में पहुंचता है। एक लॉकर के बाहर से उसे लगता है कि इसके अंदर सिंडी है। वो ओपन करता है पर सिंडी उसके पीछे ही खड़ी है। वो उसे चाकू मारने की कोशिश करती है पर फेल हो जाती है। यहाँ लॉकर के पास हम बेद की डेड बॉडी भी देख सकते हैं। जॉन ने सिंडी से कहा था कि मैंने बेद को छोड़ दिया है पर एक्चुअल में उसने उसे मार डाला था। अब ये सिंडी को भी मारने लगता है। वो मर रही थी पर उसके हाथ में उसका शू आ गया। ये जोर से उसने जॉन के सर में मारा और जॉन बेहोश हो गया। बाहर निकलने के लिए उसने एक गाड़ी स्टार्ट की, वो निकलने ही वाली थी पर जॉन ने अपनी गाड़ी उसकी गाड़ी से टकरा दी। ये दोनों फिर एक दूसरे के आमने सामने आ गए। जैसे हमने बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज में देखा है कि एक ही डायरेक्शन में दोनों गाड़ी चलाते हैं, इसी तरीके से ये भी चलाते हैं। लास्ट मोमेंट में गाड़ी का डायरेक्शन चेंज कर इन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में जॉन को कुछ ज्यादा चोट नहीं आई पर सिंडी अपनी गाड़ी में उठ नहीं रही। सिंडी के पास वो आता है और उसे गुड बाय कहता है। अब वो उसे चाकू से मार ही डालने वाला था पर सिगरेट बर्नर से उसने जॉन को चोट लगा दी। वो भाग रही थी पर फिर भी जॉन ने उसे जाने नहीं दिया। सिंडी ने एक चाकू जॉन के पेट में डाला। उसने कहा कि अब तुम किसी को भी हर्ट नहीं कर सकते। जॉन कहता है कि अभी भी मैं बच सकता हूँ और भी लोगों को हर्ट कर सकता हूँ। अब वो अपना ही चाकू लेकर खुद को मार डालता है। सिंडी फिर पार्किंग लॉट से बाहर निकल गई। अब इस मूवी का ट्विस्ट आता है। ये जो सब चल रहा था ये सब रिकॉर्ड हो रहा था। जिस ड्रंक आदमी को हमने मूवी में देखा था यही इनका बॉस है। ये मूवी अब रिकॉर्ड हो चुकी है। पार्किंग लॉट में सब डेड बॉडीज पड़ी हुई है। अब ये सब साफ किया जाएगा, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। जब हम मूवी में देखते हैं तो जॉन कहता है कि मुझे मेलोड्रामेटिक मूवी बनानी थी, कुछ हॉरर नहीं। इसका मतलब अब हमें पता चला है जॉन एक्चुअल में सिंडी से प्यार करता था। वो उसके साथ गेम्स तो खेल रहा था पर उसे मारना नहीं चाहता था। लास्ट में जब उसे पता चला कि सिंडी मानेगी नहीं तो अपने आप को ही उसने मार डाला। जो भी लोग इस गेम के पीछे थे ये सब एविडेंस मिटा देते हैं। इनमें डिस्कशन होती है कि सिंडी का क्या किया जाए। इनका बॉस कहता है कि इस सिचुएशन को वो संभाल सकता है। सिंडी अब फ्री है पर इस इंसिडेंट के बारे में वो किसी से भी बात नहीं करती। हमें एक इलीगल वेबसाइट दिखाई जाती है जहां पर ये मूवी सेल होती है। ये जो इंसिडेंट हुआ था ये यही खत्म नहीं होगा, इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं और एक बहुत बड़ा प्लान है। इसी तरीके से मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।